आज आयरन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जीएसटी मंथन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख जीएसटी सलाहकार सीए पीयूष अग्रवाल, सीए नितिन गुप्ता व सीए प्रखर गुप्ता ने व्यापारियों की जीएसटी अनुपालन में हो रही समस्याओं का व्यवहारिक समाधान किया और बहुत ही अच्छे ढंग से कर अनुपालना के तरीकों को समझाया। कार्यक्रम का संचालन जनार्दन चौधरी व आदि जैन ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारी अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट थे और उनका मानना था कि व्यापारी हित हेतु इस प्रकार के आयोजन आगे भी होते रहना चाहिए। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से आयरन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज अग्रवाल, महामंत्री प्रदीप केडिया, कोषाध्यक्ष सौरभ जैन, आयरन वेलफेयर एसोसिएशन की समस्त कार्यकारिणी एवं वरिष्ठ व्यापारीगण उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। और उस टैक्सेबल वैल्यू का अगर मैंने इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट नहीं किया तो 180 दिन जहां खत्म होंगे मुझे उसकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, सरकार को वापस देनी पड़ेगी। तो ये बाउंडेशन, ये बाउंड्री किस पे लाई गई है? बायर के ऊपर। कि बायर अगर खरीद रहा है किसी सप्लायर से और जिसका आईटीसी उसने ले लिया, उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसका 180 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, मींस जो इनवॉइस की जो डेट है उससे 180 दिन, ना कि आपने जब माल रिसीव किया है उससे मतलब नहीं है। ये भी मतलब नहीं कि आपने आईटीसी कब ली है रिटर्न में थ्री में। इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अगर आपने उसकी उस बिल का अमाउंट का मतलब यहाँ दोनों चीजें टैक्स और उसकी वैल्यू, मींस अगर 1,18,000 का बिल है, 1,00,000 का बिल है, 18,000 का टैक्स है, तो 180 दिन के अंदर आपको 1,18,000 का पेमेंट करना है। और जैसे अगर आपने नहीं किया तो जहां 180 दिन खत्म होंगे आपको वो विद इंटरेस्ट सरकार को पे करना है। आयरन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष मैं धीरज अग्रवाल, हमारे साथ मेरी कार्यकारिणी सदस्य मेरे साथ संदीप अग्रवाल, और आज हमने हवेली रेस्टोरेंट में जीएसटी की मीट का आयोजन किया है। व्यापारियों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर हमने मुख्य अतिथि सीए श्री पीयूष गुप्ता जी, प्रखर जी और नितिन जी को बुलाया है, जो आज यहाँ पर करीब 100 व्यापारी हमारे बाजार का एकत्रित है, जो आज अपनी जो वो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर हमारे मुख्य अतिथि जो सीए आए हैं उनका जवाब देंगे, ताकि उनको आ रही जीएसटी में दिक्कतों का समाधान हो सके। और यही हमारी वो है। मैं सौरभ जैन, कोषाध्यक्ष आयरन वेलफेयर एसोसिएशन। आज जो हमने अपनी मीट यहाँ बुलाई है व्यापारियों की, इसमें जो बजट में नए कानून आए हैं उनकी जो भी शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए सब व्यापारियों को अपने एकत्रित किया है। मैं पारस जैन, वेलफेयर एसोसिएशन का प्रचार मंत्री। ये बजट के बाद जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से काफ़ी भाइयों को, व्यापारी भाइयों को समस्या वहाँ देखना पड़ रहा था, जो प्रतिदिन की हम लोग की समस्याएँ होती हैं, उसकी समस्याओं के लिए हम लोगों ने एक सम्मेलन आयोजन किया जिसमें पीयूष अग्रवाल जी सीए के रूप में बुलाए गए और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुलझाया और अच्छे से समझाया कि किस तरह आने वाली समस्याओं को निपटा सके और जो समस्या आ रही है उसको कैसे सही तरीके से किया जा सके, ताकि नियम कानून का